हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉट्स एंड पॉट्स गार्डनिंग विद मी। आप इस खूबसूरत से एस्पेरेगस फर्न के प्लांट को तो देख रहे हैं जिसे मैंने वाटर में ग्रो किया है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इस तरीके से एस्पेरेगस फर्न को ग्रो करके स्टडी टेबल पर रख सकते हैं, इंडोर रख सकते हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसे आप जहाँ भी रखेंगे वहाँ की ये सुंदरता बढ़ा देता है। देखिए, ये इसका मदर प्लांट है जिससे मैंने ये बेबी प्लांट वाटर में ग्रो किया है। और वाटर में ग्रो करने से हमें इसको मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है और हम इसे आसानी से एज अ इंडोर प्लांट रख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एस्पेरेगस फर्न के प्लांट को किस तरह से वाटर में ग्रो करते हैं और उसकी केयर हमें किस तरीके से करनी चाहिए। तो आप अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहें। देखिए, मेरे इस फर्न के प्लांट में इस समय फ्लावरिंग हो रही है और ये सीज़न है समर का, और समर में एस्पेरेगस जो फर्न का प्लांट होता है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और ये बहुत अच्छी समर में ग्रीनरी ऐड करता है। और इस प्लांट को जो है इसकी रूट्स को डिवाइड करके लगाना बहुत आसान होता है और इसे आप सॉइल में भी लगा सकते हैं। देखिए, आपको मैं इसकी रूट्स दिखाती हूँ। इस तरीके से इसकी रूट्स होती हैं और ये प्लांट को हम बहुत आसानी से इनकी रूट्स को डिवाइड करके मल्टीपल कर सकते हैं। तो हमें आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे से ये बल्ब लगे हुए हैं। ये रूट्स बल्ब में ये अपने जो फूड होता है उसको स्टोर करके रखते हैं और इसीलिए ये प्लांट्स गर्मियों में कम पानी में भी सर्वाइव कर जाते हैं। और इस समय इस प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो ये समर का सीज़न और रेनी सीज़न जो कि आने वाला है, इसमें हम इस प्लांट को जो है न्यू प्लांट्स आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, इसी से हम अभी इसकी रूट्स को डिवाइड करेंगे। आप पूरे पॉट में से प्लांट को निकाल के उसकी रूट्स को भी डिवाइड कर सकते हैं और मेरी तरह एक छोटा सा पोर्शन जो है रूट का आप जो है इस मदर प्लांट से भी निकाल सकते हैं और उसको फिर आप यूज़ कर सकते हैं नए बेबी प्लांट बनाने के लिए। तो आप देखिए, मैंने एक शार्प नाइफ की हेल्प से थोड़ी सी जो है इसका रूट्स का पार्ट निकाल लिया है और इसमें ये थोड़ा सा प्लांट भी आ गया है। तो आप देखिए, इस तरीके से मैंने इसकी रूट्स को और प्लांट्स को जो है मदर प्लांट से अलग कर लिया है और इसी को अब हम वाटर में ग्रो करेंगे। इसको आप सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। तो वाटर में ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो इसको हम ना वॉश करेंगे, तो इसकी रूट्स में जो उतनी भी जो सॉइल लगी हुई है वो साफ़ हो जाएगी, तब हम इसे वाटर में ग्रो करेंगे। और अगर आपको इसको सॉइल में ग्रो करना है तो आप बहुत आसानी से इसे सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं इसको इसकी रूट्स को वॉश करके लेके आई हूँ। देखिए, रूट्स मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं जिससे कि इसकी सॉइल इस प्लांट में से निकल गई है। तो अभी हम इसको साइड में रख देंगे और वाटर में ग्रो करने के लिए हमें मैंने तो एक ग्लास लिया है। आप जो भी चाहें उस तरीके का ऑब्जेक्ट ले सकती हैं जिसमें कि आपको ये प्लांट ग्रो करना है, और इसमें स्टोन ज़रूर लीजिएगा। मैंने ये मार्बल के खूबसूरत से वाइट कलर के स्टोन लिए हैं जिससे कि इस प्लांट को ना इस जो ग्लास है इसके अंदर जो अच्छे से ये फिट हो जाएगा। तो स्टोन बहुत ज़रूरी हैं, आप इसको स्किप मत करिए। और स्टोन की हेल्प से जो है हम इसको अच्छे से जो इसमें सेट कर लेंगे। तो देखिए, मैं चारों तरफ से इस स्टोन्स को डाल रही हूँ और जिससे कि ये फर्न का जो प्लांट है इसमें अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस स्टोन की हेल्प से जो है इस प्लांट को वाटर में अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इसको एज अ इंडोर प्लांट कहीं भी स्टडी टेबल पर रखूं या हम इसको किसी कॉर्नर में रखें ड्राइंग रूम में,
ये बहुत ही वहाँ की खूबसूरती बढ़ा देता है। तो इस तरीके से मेरे इस मेथड को यूज़ करके आप भी एस्पेरेगस फर्न के इस प्लांट को वाटर में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आपको हर 5 से 6 दिन के अंदर इसके पानी को चेंज करना है। बस एक बहुत ही सिंपल मेथड है इसको मेंटेन करने का, बाकी ऐसा कोई खास रखरखाव नहीं है जो हमें इस एक्स्ट्रा इस प्लांट के साथ करना है। बस 6 से 7 दिन के अंदर हमें इस प्लांट के वाटर को चेंज करते रहना है और यूं ही ये सालों साल जो आपका प्लांट है हरा बना रहता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने इसी मेथड से एक और एस्पेरेगस के प्लांट को जो है सॉइल में ग्रो किया। तो इस तरीके से आप एस्पेरेगस को सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, और बट मेरा फेवरेट है वाटर में ग्रो करना क्योंकि बहुत इजी है। सॉइल में आप ग्रो करके इसको आउटडोर प्लांट रख सकते हैं और वाटर में ग्रो करके आप इसको एज अ इंडोर रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मदर प्लांट है जिससे मैंने ये दो तरीके के प्लांट्स तैयार किए हैं।